गाइस यहाँ ऊपर में भी है मंदिर, ये मंदिर प्रांगण सिद्धि माता का। जय माता रानी, हम सबकी मनोकामना पूर्ण करें। नव दुर्गा माता विराजमान है। ये है रुद्राक्ष का वृक्ष। जय जय जवाना महात्मा काली बकरा वाली। तो गाइस यहीं पर गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल थानाराम सब ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ ग्राम संडी, जहाँ पर स्थित है सिद्धि माता मंदिर। तो चलिए गाइस आज मैं आपको सिद्धि माता का दर्शन कराता हूँ। तो गाइस हमने नारियल ले लिए हैं सिंगार वाला 50 रुपये, और भाई से लिए हैं देखिए यहाँ से, और वहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी हम लोग, और आगे की ओर चलते हैं हम। और गाइस इस साइड से भी आप आ सकते हैं, ये ग्राम सन्नी से होकर आती हैं, और इस साइड पूरा दुकानें लगे हुए हैं। और अभी सुबह के लगभग 8:30 हो रहे हैं, और अभी से श्रद्धालु लोग आ रहे हैं माता का दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज है अष्टमी, और अष्टमी के दिन में बहुत ही ज़्यादा क्राउड हो जाता है, और यहाँ पे सुबह से ही भीड़ लगा हुआ है, जैसे कि आप आगे में देख पा रहे हैं। पूरा लाइन से नारियल का दुकान लगा हुआ है, यहाँ पर आप ख़रीदारी कर सकते हैं, नारियल खरीद सकते हैं। और इस साइड में चश्मा बेल्ट टोपी वगैरह का दुकान है, और अभी दुकान लगा नहीं है, बाकी लोगों का लगा रहे हैं। गाइस यहाँ ऊपर में भी है मंदिर, उनका भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा, और यहाँ से जाना है हमें अंदर मंदिर के लिए। ये देखिए यहाँ पर पीने का पानी की व्यवस्था दिया गया बढ़िया, और यहाँ पर दो सीप बने हुए हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और यहाँ अंदर में भी दुकानें लगी हुई हैं। ये देखिए प्यारी सी गुड़ी है, और इस साइड भी मंदिर प्रांगण है, तो वहाँ भी मैं आपको ले चलूँगा दर्शन कराने के लिए। पहले मैं आपको सिद्धि माता का दर्शन करा देता हूँ। और भाई इस साइड भी पूरा दुकान लगे हुए हैं, ये देखिए मार्केट एरिया, ये पहाड़ बना कर रखे हुए हैं सिद्धू को। इस साइड भी गाड़ी लाए हुए हैं कई लोग, अभी खाली इस कारण से गाड़ी ला लिए, और इस साइड भी दुकान वकान लगा है पूरा, और वहाँ आगे में है माता रानी का दरबार। तो चलिए अभी हम आपको माता रानी दर्शन कराते हैं। तो इधर से भी आप आ सकते हैं, रास्ता है, और यहाँ पर जूता चप्पल रखने का है, तो हमने एक साइड से पुरुष लोग को जाने का है, एक साइड से महिला लोग का, तो यहाँ से चलते हैं हम लोग। और कैसे कि सुबह का समय है, और यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ देखिए सुबह से ही, ये देखिए लाइन में लगे हुए हैं, और यहाँ पर भी है माता रानी, तो इनका भी दर्शन कीजिए। जय माता रानी, हम सबकी मनोकामना पूर्ण करें। भाई से देखिए लाइन में लगे हुए हैं सब, और बहुत सुंदर बन गया मंदिर प्रांगण सिद्धि माता का, ये देखिए। साइड में है कुछ ताश केंद्र। शारदीय नवरात्रि में मैं जब यहाँ पर आया था ना, तब ये पेंट नहीं हुआ था, बन गया था लेकिन पेंट नहीं हुआ था पुट्टी वगैरह, अभी तो बढ़िया पेंट वेंट हो गया है, और काफ़ी सुंदर बन गया। और मंदिर प्रांगण बढ़िया पंखा वंखा चल रहा है यहाँ पे, और अंदर में विराजमान है वहाँ पे माता रानी, जिसका मैं अभी आपको दर्शन कराने वाला हूँ। यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं माता रानी का दर्शन करने के लिए, और ये देखिए पीछे साइड में भी लाइन लगे हुए हैं। तो गाइस वहाँ पर विराजमान है माता रानी, जिनका घर बैठे दर्शन कीजिए। जय माता रानी, हम सबकी मनोकामना पूर्ण करें। गाइस आपकी जो मनोकामना है आप वो मांग सकते हैं माता रानी से। यहाँ पर नारे चढ़ा रहे सब लोग। गाइस यहाँ पर भीड़ देखिए श्रद्धालुओं की, सब लाइन में लगे हुए हैं और माता रानी का दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, और उस साइड से पूरा लाइन लगा हुआ है, एक साइड से पुरुष हैं तो एक साइड से महिला लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और इस साइड भी मंदिर प्रांगण में भी काफ़ी भीड़ है, प्रतिमाएँ रखे हुए हैं, उनका भी हम आपको दर्शन कराते हैं। ये वाला तो खाली है, यहाँ से है, और यहाँ पे नाम भी लिखा गया है माता रानी का, माँ शैल पुत्री जय माता रानी। कि वहाँ से लेकर वहाँ तक है माता रानी के मूर्ति यहाँ पर स्थापित किए गए हैं,
माता रानी के पूरे नौ रूपों की यहाँ पर नव दुर्गा माता विराजमान है और सब यहाँ पर माता रानी का फोटो ले रहे हैं और अपना भी सेल्फी ले रहे हैं। यहाँ पर नव दुर्गा माता है, उनका दर्शन करा दिए हैं। अब मैं आपको मंदिर प्रांगण में और भी देवी देवता है उनका दर्शन करा देता हूँ। ये देखिए भीड़ बढ़ती जा रहे हैं, अभी खाली था कुछ देर पहले थोड़ा, लेकिन अभी और ज़्यादा क्राउड बढ़ है और आज पूरे दिन भर अभी जितना भीड़ है उससे कई गुना ज़्यादा भीड़ होने वाले हैं। और कुछ इस तरह से है मंदिर प्रांगण और बहुत ही सुंदर बना दिए गए मंदिर प्रांगण को पहले से। तो इस साइड चलते हैं, पहले मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ रुद्राक्ष का वृक्ष। भाई इसे देखिए, ये है रुद्राक्ष का वृक्ष, बहुत कम देखने के मिलता है ये पे। और वहाँ पे भोले बाबा भी हैं, जय भोले बाबा। इस साइड और देवी देवता है, इनका भी दर्शन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे है नंदी जी और इस साइड हैं काल भैरव भगवान और इस साइड हैं बजरंगबली जी, इनका भी घर बैठे दर्शन कीजिए। सर में है भोले बाबा, जय भोले बाबा, हम सबकी मनोकामना पूर्ण करिए। यहाँ से दर्शन कर लिए, अब और आगे मंदिर प्रांगण है वहाँ चलते हैं। और यहाँ पर है जय माँ परमेश्वरी मंदिर, यहाँ पर है परमेश्वरी माता, इनका घर बैठे दर्शन कीजिए। जय परमेश्वरी माता, हम सबकी मनोकामना पूर्ण करिए। यहाँ पे हैं भोले बाबा, जय भोले बाबा। घर में हैं श्री राम भगवान, लक्ष्मण जी और माता सीता, इनका भी घर बैठे दर्शन कीजिए। जय श्री राम भगवान। अभी मैं आपको ज्योति कक्ष दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पे भी बढ़िया चित्र बनाए गए हैं। ये देखिए यहाँ पर है भारत माता, इनके भी दर्शन कीजिए। जय भारत माता। यहाँ इस साइड में है ज्योति कक्ष, मैं अभी आपको ज्योति दर्शन दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर कुल ज्योति हैं 10,855 ज्योति यहाँ पर जगाए हैं। देखिए कक्ष क्रमांक एक है, अंदर में ज्योत जवान माता जरिए, जय ज्योत जवान माता, हम सबकी मनोकामना पूर्ण करें। तो इस साइड जितने भी कक्ष हैं यहाँ पर ज्योत जलाए गए हैं। ये देखिए इस वाले में कक्ष में भी हैं ज्योत माता और इस वाले में भी है और ज्योत जल रहा है यहाँ पर भी। यहाँ कहाँ से जगह, यहाँ से मैं आपको अच्छे से देखिए। जय ज्योत जवान माता, हम सबकी मनोकामना पूर्ण करें। तो इस साइड भी आप जाते हैं, पूरा ज्योत जमारा कक्ष है। तो गाइस यहाँ पर जेके निषाद भाई मिले हुए हैं, जो कि ईश्वर साहू जी हैं विधायक जी, उनका चैनल हैंडल करते हैं यहीं। तो भाई दो शब्द बोलिए हमारे सब्सक्राइबर भाई के लिए। तो नमस्कार, जय जवाहर सिंह हो। तो मैं आप जो मजला अष्टमी के गाढ़ा गाढ़ा बधाई हो। और भाई बहुत बड़े बात है, बहुत गर्व की बात है, मैं एक छोटे मोटे यूट्यूबर और भाई की चैनल आप मन बिल्कुल सब्सक्राइब करो। अगर चैनल के नाम भी है, क्या नाम है आपके चैनल? खाना राम साहू ब्लॉग, खाना राम साहू ब्लॉग है। तो आप मन बिल्कुल भी एक चैनल सब्सक्राइब करो, जेखर से आप मन पर नवा से नवा कंटेंट लाई, जिन अपन पूरा देखे के प्रयास करो। तो संगवार ई विधा के साथ मैं पुनः मिलूँ भाई के संग में, जब एक साथ अगर रिजब होता तो ही विधा के साथ आप जो मुझे राम राम जय जोहार। मोर चैनल के नाम है बता देना चाहूँ, मोर चैनल के नाम है मोर संगीत ब्लॉग और सेकेंड चैनल का नाम जेके क्रिएशन स्टूडियो चैनल। और जन पर्सनल और जन मानी विधायक गिरी है MLA के, जेखर ईश्वर साहू जानते आप मनना, जेखर चैनल का नाम है ईश्वर साहू BJP करके। तीन चैनल मैं पर्सनल कवर करता हूँ और तीनों चैनल मैं पूरा कवर करके आप मन पर पुरसाए के प्रयास करता हूँ, दिखाए के प्रयास करता हूँ। तो भाई से मिलके बहुत खुशी हुई, भाई फिर मिलते रहेंगे आपसे। जय माता दी, जय माता। तो गाइस भाई का भी चैनल विजिट करिए, भाई ने अपना चैनल बताया है। यहाँ पर जेके निषाद भाई से मिले, काफ़ी अच्छा लगा मिल से उनका। तो अभी मैं आपको और ऊपर में मंदिर है तो वहाँ ले चलता हूँ दर्शन कराने के लिए। शायद और भी मंदिर हैं तो चलते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पर प्रसाद बना रहे हैं नारियल तोड़ तोड़ कर, शायद भी जो जले हुए हैं। और यहाँ पर भी स्वच्छ क्रमांक 8 है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर भी जोत जला है और यहाँ कक्ष में जोत जला है। जय जय जवाना माता। तो इस साइड आगे बढ़ते हैं, तो इस साइड भी पूरा ऊपर में जोत कक्ष है
और यहाँ पर फोटोग्राफी के लिए ऐसा बनाए हुए हैं, पोस्टर लगा है बढ़िया, और वहाँ पे एडिटिंग चल रहा है फ़ोटो का। और यहाँ पर विराजमान हैं हनुमान जी, इनका भी घर बैठे दर्शन कीजिए। जय हनुमान जी, हम सबकी मनोकामना पूर्ण करें। भजन बोलिए। इसे देखिए ऊपर में और मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर, और जब ये अच्छे से बन जाएगा ना तब बहुत सुंदर दिखेगा। जब ये बन जाएगा ना तब यहाँ पर और आएंगे हम माता रानी का दर्शन करने के लिए और ब्लॉग शूट करने के लिए, तब आपको दिखाएंगे। अब हम नीचे की ओर चलते हैं हम लोग, तो वो साइड भी और मंदिर है, यहाँ से ऊपर से जाने का रास्ता है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। ये रुद्राक्ष का वृक्ष है, इसको मैं आपको दिखाया हूँ नीचे से, ऊपर से दिखा देता हूँ। ये इसका फल लगा हुआ है, ये देखिए वो जो काला काला दिख रहा है ना, वो इसका फल है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए। हम लोग जिस सीढ़िया से ऊपर आए ना, उस सीढ़िया से नीचे जाएंगे, फिर इधर से ना मैं आपको ले चलूँगा, क्योंकि नीचे में और भी मंदिर हैं, तो उनका भी मैं आपको साथ ही साथ दर्शन कराने वाला हूँ। फिर से अब मैं आपको आते वक्त दिखा देता हूँ मार्केट, और इस साइड भी मार्केट लगा हुआ है, खाने पीने का चीज़ सब। उस साइड तो ज्योति कक्ष है, वहाँ पर मैं आपको ले कर गया था। अब वो देखिए भव्य मंदिर बन रहा है, वो भी मैं आपको दिखा दिया हूँ। इस साइड मार्केट एरिया, कुछ कुछ मार्केट एरिया मैं आपको दिखाते हुए चलता हूँ, और वहाँ पर भी है माता रानी, तो चलिए उधर दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पर विराजमान है माता काली, घर बैठे दर्शन कीजिए माँ काली का। जय माँ काली, हम सबकी मनोकामना पूर्ण करें। और जय माँ काली बकरा वाली, तो गाइस यहीं पर बकरी की बलि दी जाती है, होली के दूसरे दिन से यहाँ पर बकरी की बलि देना शुरू हो जाते हैं, और नवरात्रि तक बलि देते हैं, यानी कि नवरात्रि के पहले बलि देते हैं। जय माता रानी, छप्पर है जो जला रहे हैं, और इस साइड पूरा खेत खलिहान है, इस तरफ पूरा मार्केट एरिया लगा हुआ है, ये देखिए। और वहाँ पर मंदिर आपको दिखाना बचा हुआ है, तो वहाँ पे ले चलता हूँ मैं आपको दर्शन कराने के लिए। और इस साइड भी काफ़ी बढ़िया माहौल है, गन्ने का रस मिला है 10 रुपये 20 रुपये। माला मुंदरी घंटी सब चीज़ का आपको दुकान मिल जाएंगे। ये देखिए सिद्धि माता का फोटो है यहाँ पे, जय सिद्धि माता। और इस साइड से मैं आपको दिखाते हुए आया हूँ, और इस साइड जाना है हमें फैंसी कंगन 50 रुपये सेट का। और यहाँ पर भी मंदिर है, तो चलिए उनका भी दर्शन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे काल भैरव बाबा, उनका भी घर बैठे दर्शन कीजिए। जय काल भैरव बाबा, हम सबकी मनोकामना पूर्ण करें। तो यहाँ पे हैं काल भैरव बाबा, जिनका मैंने आपको दर्शन करा दिए हैं, और अब सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर की तरफ जाना है। ऊपर में और भी मंदिर है उनका दर्शन करने के लिए, बढ़िया चाबी रही। और यहाँ ऊपर में कुछ इस तरह से माहौल है, और यहाँ पर ये देखिए फ़ोटो स्टूडियो भी है, फ़ोटो खिंचाने के लिए बढ़िया शानदार। भाई इस साइड से जाना है मंदिर चल के, भाई से हैं विजय रथ, और इसके जो पालन करते हैं वो हैं श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी हैं, वो युद्ध में लड़ाई करने के लिए गए थे महाभारत में, उस समय विजय रथ का इस्तेमाल हुआ था, और अर्जुन जी पीछे में सवार हैं। पूरा खेत खलिहान है, पूरा खेत खलिहान के बीच में है सिद्धि माता का मंदिर, और इस ऐसे मैं आपको दिखाते हुए आया हूँ। मैं आपको सिद्धि माता का दर्शन करा दिया है, और यहाँ पर मंदिर प्रांगण में जितने भी देवी देवता हैं मैंने उनका भी आपको दर्शन करा दिया है। माता को संतान सुख देने वाली माता भी कहा जाता है, और मनोकामना पूर्ण करने वाली भी माता कहा जाता है। तो गाइस आपकी जो मनोकामना है आप माता से मांग सकते हैं, सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए, माता रानी आपकी जो पुकार है वो सुनेगी, आपकी जो इच्छा है वो पूर्ण करेगी। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही, तो आज के वीडियो आपको कैसा लगा, आई होप वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। एक नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय माता दी, जय सिद्धि माता।